व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टलॉग फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे, जिसके चलते बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आप लोगों की लाइफ में भी काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएगी और एक बेटर पर्सन बनाने में आप लोगों को हेल्प करेगी, यानी कि आप लोगों को एक नया वर्जन अपना देखने को मिलेगा। जब बहुत सारी चीजें आप लोग अपनी जिंदगी में ऐड करते हैं ना, तो आप लोग अपनी जिंदगी को निखारते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं और अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करते हैं। तो यही एक ऐसी मुहिम मेरी भी रहती है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी आप लोग की लाइफ में ऐड की जाए, और आप लोग की लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड करते करते मेरी खुद की लाइफ में भी प्रोडक्टिविटी ऐड हो जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड करनी है, तो कोशिश करो कि जो भी आप लोग सीखते हो वो किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो इससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लोग खुद भी और अच्छे लेवल पर समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बड़ी ही प्यारी बात बोलेंगे। इसके साथ में आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज की कोटेशन है, बोला गया लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस, यानी कि 10% तो लाइफ वो होती है जो जिंदगी में घटित होता है। मतलब ये है कि मान लीजिए आप लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, ठोकर लगी और ठोकर लगने के बाद में आप लोग गिर गए और गिरने के बाद में घुटने में चोट लग गई। तो ये एक छोटी सी एक रिएक्शन हुई जिसमें एक छोटी सी चोट आप लोगों के घुटने में लगी, उसकी वजह से अब 90% यहां से वो रिएक्शन आप लोगों की जो निकल के आएगी वो डिपेंड करेगी कि आप लोगों की जिंदगी अब यहां से आगे कैसे बढ़ेगी। 10% जो है वो एक काम हो गया, अब आप लोग रिएक्शन कैसे देते हैं। ठीक है, ये फिर आप लोग इसको ऐसे सोचिए, आप लोग जा रहे थे रास्ते में, कोई बाइक वाले ने हल्का सा आप लोगों को ना एक साइड में लग के चला गया, आप लोगों को चोट लगी थोड़ी सी, तो अब आप लोग उसको रिएक्ट कैसे करते हो, उसको गाली देना स्टार्ट कर दी। मतलब उल्टी चीज, जितनी भी मन में गंदी से गंदी गाली सोच सकते हैं, अब सामने वाले को भी गुस्सा आएगा, सामने वाले ने भी गाली देना स्टार्ट कर दी, तो फिर क्या होने वाला है। अब वही होगा बस, जो दुनिया देखेगी खड़ा होकर, मतलब कि अब आप तमाशा होगा वहां पर। ठीक है, तो ये कंडीशन है। पर लेकिन कोई भी इंसान जो है ये कब गलतियां करते हैं, एक तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। सोचो अगर सामने वाला जल्दबाजी में है या फिर गुस्से में है, उसको अगर आप लोग इग्नोर कर दो और अपने काम पर आगे चले जाओ, देखिए होना कुछ नहीं है, फिर भी मान लीजिए लड़ लिए उसके साथ में, तो और ज्यादा दिक्कत ही होने वाली है। अगर उसको इग्नोर करके और सॉरी बोल के आगे निकल जाए, तो वो भी आप लोगों को पलट के सॉरी बोल सकता है कि नहीं भाई साहब मेरी गलती है। ठीक है, पर लेकिन अगर वो गाली देना स्टार्ट कर दी, तो फिर सामने वाला डबल ट्रिपल वे में आप लोग गाली देना स्टार्ट करेगा और गलती भी नहीं मानेगा और बोलेगा तुमको जो करना है करके दिखाओ। तो वो वाली कंडीशन और ज्यादा ग्रेव हो जाएगी, आप लोगों का माइंड और ज्यादा खराब होगा, अपने काम पर और कम फोकस कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए जिंदगी में ना अपने आप को थोड़ा सा समझना स्टार्ट करो, और वो कब होगा, जब आप लोग अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करेंगे। आप लोग पूरे दिन दुनियादारी में लगे रहते हैं, कभी कुछ खोल के बैठ गए, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी ट्विटर, कभी इंस्टाग्राम, कभी टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या चल रहा है जिंदगी में। और जो रही सही कसर पूरी रह जाती है वो शॉर्ट्स पूरी कर देती है, उस पर बैठ जाते हैं आकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे दिन टाइम कहीं ना कहीं पास चलता रहता है। कोशिश करो जब पढ़ने के मूड में बैठना है, पढ़ने के जोन में, अपने मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में ले जाके रख दो। ठीक है, अगर दूसरा कमरा नहीं है तो कोशिश करो कि बैग में पैक कर अलमीरा वगैरह में रख दो। मतलब अपने से मोबाइल को डिस्टेंस पे रख दो, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं अपने माइंड को शांत रखकर अपने काम पर फोकस करना। ठीक है, कोशिश करो ये छोटी छोटी सी चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो जिंदगी में एक अच्छा प्रोडक्टिव माहौल आप लोगों का बनता हुआ नजर आएगा। बोलने में आसान होता है, पर लेकिन हर एक इंसान जो है वो जूझता है इसकी वजह से जिंदगी में। जो इनको टैकल कर लेता है वो प्रोडक्टिवली अपनी चीजों को यूटिलाइज कर लेता है। आज की डेट में इतने सारे लोग बेसिकली पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर आप लोग बोलते हैं ना कि एक दिन हम नहीं पढ़ेंगे क्या जा रहे हैं, भाई साहब कई हजार लोग आप लोगों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, उसी दिन में, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ेंगे कोई तो पढ़ रहा होगा ना, और कॉम्पिटिशन एंड में आकर कुछ ही हजार लोगों में होता है, बाकी लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में जो सीरियसली हर एक दिन अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए इंसान आगे बढ़ रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट शानदार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। तो डिस्कशन तो काफी शानदार रहने वाला है, अच्छे से हम लोग देखेंगे, और संडे का डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट भी रहता है, जैसा कि आप लोगों को पता है एडिटोरियल नहीं आते, पर लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम लोग कवर करेंगे। और स्टार्ट करेंगे जो फ्रंट पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज के पेज पर दे रखी है, पेज नंबर 1 पर। ये न्यूज आगे भी कई सारे पेज पर कवर की गई है, तो यहाँ पर इसको डिटेल में मैं आप लोगों से कवर करूंगा। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, यहाँ पर इंडिया और इट्स नेबर के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। बात करते हैं अभी हमारी कंट्री की साइड से गलती से एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की साइड में चली गई। ठीक है, तो जो मिसाइल पाकिस्तान की साइड में गई, पाकिस्तान ने पहले तो उसको चेक किया, अच्छे से छानबीन की आखिर चल क्या रहा है, यहां से हो कैसे गए यहां पर। पहले तो उनको लगा कि अपने ही देश में कोई जहाज वगैरह गिर गया, फट गया, कुछ ऐसी चीजें हुई, या फिर चाइनीज माल बहुत सारा यूज कर रहे हैं, उनको लगा कि कोई चाइनीज वेपन अपने ही देश में फट गया अपना ही। पर लेकिन जब ढंग से इनके द्वारा चीजों को चेक किया गया, तो पता चला कि इंडिया की साइड से एक मिसाइल आई और पाकिस्तान की साइड में जाकर टकरा गई। तो हमारी कंट्री में जो हरियाणा से मिसाइल निकले, पाकिस्तान में जाकर यहां पर ये टकराई।
तो इसके चलते यहां पर जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इनके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि इंडिया ने हमारे ऊपर बेसिकली मिसाइल फायर किए, तो ये बाद में निकल कर आया। हालांकि इन्होंने क्लियर शब्दों में स्टार्टिंग में चीजें नहीं बोली क्योंकि इनको भी समझ में नहीं आया कि हो क्या गया, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन ये बन गई। फिर जब इनके द्वारा ये पब्लिकली एक स्टेटमेंट इशू कर दी गई इनकी आर्मी के द्वारा, उस टाइम पर हमारी कंट्री के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई साहब ऐसा कुछ हुआ है, गलती से मिसफायर हमारी कंट्री की साइड से हो गया, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि सिचुएशन यहां पर ये निकल कर आई कि हम लोगों ने भी बेसिकली इसको एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गलती हो गई है, और हम लोगों ने सारी बातें बोली कि यार गलती हो गई है हमसे, मतलब एक तरीके से ये ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कोई जानबूझकर यहां पर ये काम किया गया, तो सारी बातें बोली गई यहां पर, और हमारी कंट्री में इसको एक्सेप्ट भी किया गया और बोला गया यहां पर कि हम लोग डीपली रिग्रेट करते हैं, हम लोग को दुख है इसका, और अच्छी बात यहां पर ये कि किसी की जान नहीं गई है। तो ये बातें जैसे हम लोगों ने बोली, अब पाकिस्तान को तो मौका मिल गया कि हाँ भाई साहब अब तो सामने वाले ने गलती एक्सेप्ट कर ली है, अब पाकिस्तान जो है वो सर पे चढ़ के बैठ गया। तो यहां से अब बार बार पाकिस्तान ये बोल रहे हैं, हमने बोला कि यार जो ये मिसाइल हमारी साइड से ही निकली हमारे हाथों से, हम लोग इसको चेक करेंगे कि आखिर ऐसी गलती हमसे कैसे हुई, तो हम लोग इसके लिए इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे और उसके बाद पे देखेंगे क्या क्या कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है। पर लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको मानने के लिए तैयारी नहीं है। हमारे हाई कमिश्नर के पास में भी बातें जा रही है बार बार जो इस्लामाबाद के अंदर में, तो बोला ये जा रहा है कि आप अकेले इसमें इंक्वायरी नहीं करोगे, पाकिस्तान की साइड से भी इसमें लोग रहेंगे जो इसमें इंक्वायरी करेंगे। तो उसके चलते अभी यहां पर पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये बात यहां पर बोली जा रही है कि ऐसा नहीं कि इंडिया खुद इंक्वायरी करेगा, हम भी इंक्वायरी करेंगे। अब मुझे जब ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था मुझे कुछ बातें याद आ गई, अगर इस तरीके से हम लोग इंक्वायरी करने बैठेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं इंक्वायरी करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो रो देगा, ठीक है। इतनी सारी बुरी बुरी हरकतें इनकी साइड से हो रखी हैं। जब हम लोगों ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि भाई साहब गलती होगी, ठीक है, और क्या करना है, और अपना पैसे ले लो जो भी गलती वहां पर जो भी आप लोगों की थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, पर लेकिन ये थोड़ा ना कि एक तरीके से यहां पर कि हाँ बिल्कुल ही उसमें आ गए, चलिए फिर भी, पर लेकिन ये एक कोई ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो कि एक आसान मुद्दा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जब किसी चीज पर आकर बैठ जाती है तो फिर वो इशू और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू बनाया जा रहा है अभी इंटरनेशनल मीडिया में, और पाकिस्तान भी इसको तूल देने पर पूरा जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान बोल रहे हैं यहां पर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिससे सामने वाले को गुस्सा आएगा, बोल रहा है कि आर्म फोर्स ही यहां पर आप लोगों की मिसाइल को हैंडल कर रही है, या फिर कुछ बेवकूफ बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा धूर्त या फिर कोई ऐसा नटखट एलिमेंट बैठा हुआ है जो आप लोगों की मिसाइल को हैंडल कर रहा है कि उसके हाथों से मिसाइल निकलकर हमारे देश में आकर टकरा गई। तो ऐसे ऐसी स्टेटमेंट पाकिस्तान की साइड से निकल कर आ रही है। पर लेकिन फिर भी मोर और लेस अच्छी बातें यहां पर यह है कि दोनों साइड में न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो हो सकता था कि पाकिस्तान जो है इसको ये मानकर कि हमारे ऊपर अटैक कर दिया इंडिया ने और वो भी उधर से रिटेलिएट कर देता, पर वो चीज नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान ने इसको बोला है कि देखिए अगर ऐसा हो सकता तो हम भी रेस्पॉन्ड कर सकते थे कि हमारे ऊपर अगर यहां पर एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन करके इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल फायर कर दिया तो हम भी अपनी साइड से कोई मिसाइल फायर कर सकते थे, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती थी। पर ये बहुत ही एक मैच्योर एक आप लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं दोनों कंट्री की साइड से, और वो भी दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री की साइड से, वरना कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती थी। हाँ आप लोग ये बोल सकते हो इंडिया की साइड से थोड़ी सी गलती, आप लोग ये बोल सकते हो कि हम लोगों की साइड से ये जो मिसाइल फायर हुई थी तो हम लोग को पहले ही स्टेटमेंट इशू कर देना चाहिए था कि गलती से ऐसा कुछ हो गया, पर लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा लेट किया, हम लोगों ने पहले तो ये सोचा कि सामने वाले को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो छोड़ देते हैं, मतलब चली गई तो चली गई, अब सामने वाले को पता चलेगा तो रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो देखेंगे, क्या पता वो अपना आप ही सोचते रहेंगे कुछ अपना ही हुआ है कुछ, तो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग भी उसी चक्कर में थे, पर वही है कि दोनों कंट्री की साइड से चीजें एक्सेप्ट कर ली गई हैं, अब यहां पर चीजें इसको चेक करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इसको एक सामने वाले अटैक कर दे तो आप भी अटैक करना स्टार्ट कर दो, और ये एक वॉर और काफी खतरनाक वॉर वो भी दो न्यूक्लियर पावर कंट्री के बीच में, तो सिचुएशन खराब कर सकती है, ठीक है। तो ये मुद्दा है यहां पर, आप लोग ही क्या रहे इसके इसके बारे में, अगर आप लोगों से कोई पूछे लिखने के लिए कुछ बातें आप लोगों से पूछे कि यहां पर इस मुद्दे को किस तरीके से देखना चाहिए तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, चलिए ये तो जो भी आप लोग बोलेंगे वो आप लोग बताएगा, पर अभी जो मुद्दा है मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि किस पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर ये सारी बातें की जा रही है। आज आप लोगों को इंडिया का मिसाइल सिस्टम में बता देता हूं कि हमारे पास में कौन कौन सी मिसाइल है जिनके बारे में आप लोग एक ओवरव्यू भी यहां पर ले सकते हैं। अभी जो हम लोग बात करें इनके द्वारा बोला गया कि ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमारी कंट्री का ये काफी ताकतवर मिसाइल सिस्टम है, और ये वही मिसाइल सिस्टम है जो अभी हम लोग यहां पर कई सारे देशों को बेच भी रहे हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री में डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग बढ़ा रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत में। ब्रह्मोस जो यहां पर ज्वाइंट वेंचर है हमारी कंट्री का डीआरडीओ और इसी के साथ में रशिया का है यहां पर एनपीओएम, तो हमारी कंट्री का डीआरडीओ और रशिया का एनपीओएम मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। तो
तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर डीआरडीओ का नाम, और एनपीओ का एनपीओएम का नाम आप लोग देखोगे तो रशियन लैंग्वेज में कुछ उल्टा सीधा है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनपीओएम आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दो कंट्री की रिवर यहाँ पर है, हमारी कंट्री की ब्रह्मपुत्र और रशिया की है यहाँ पर मॉस्को, इनके नाम पर मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसमें दो स्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सॉलिड और दूसरी लिक्विड, जो कि यहाँ पर एयर टू सरफेस आप लोगों को यहाँ पर जो मिसाइल है वो वार करती हुई नजर आती है, लगभग 300 किलोमीटर की रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो मैंने दो स्टेज बोला है, पहली स्टेज जो होती है सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इसको बोला जाता है, इनके क्या करती है ये एक तरीके से सेपरेट हो जाती है जब जो स्पीड है उसकी वो मैक 1 पहुंच जाती है या फिर सुपरसोनिक स्पीड में पहुंच जाती है। इनकी स्टार्टिंग का जो मिसाइल को बूस्टअप देने का काम किया जाता है वो स्टेज 1 के द्वारा किया जाता है, जो कि सॉलिड स्टेज रहती है। फिर इसको आगे लेकर चलती है और मैक 3 तक इसको पहुंचाती है, वो क्या करता है लिक्विड रैमजेट इंजन जो हाई स्पीड का यहां पर काम करता है। तो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जो मैक है ये स्पीड काउंट की जाती है, कैसे अगर आप लोगों से पूछे कि 1 मैक क्या बोलेंगे आप लोग यहां पर, यानी कि मैक कैसे निकाला जाता है, जब यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी कि जिस स्पीड पर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है और यहां पर उसको साउंड की स्पीड से जब आप लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो मैक नंबर में निकल कर आता है, यानी कि स्पीड जो है वो मैक में काउंट की जाती है। यहां पर अगर कोई बोले कि सबसोनिक सुपरसोनिक या फिर यहां पर ट्रांसोनिक या हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, तो ये इसकी स्पीड के डिपेंड पर रहता है यहां पर कि कैसी कैसी स्पीड आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसके बेस पर डिपेंडेंट आप लोगों को ये देखने को मिलता है। अगर कोई आप लोगों को बोले कि सबसोनिक है तो इसका मतलब है कि 1 मैक से नीचे स्पीड है इसकी, अगर बोले कोई ट्रांसोनिक है इसका मतलब है कि 1 मैक के इक्विवेलेंट स्पीड है, अगर बोले कोई सुपरसोनिक है वो 1 मैक से ज्यादा स्पीड है, और अगर कोई बोले आप लोगों की हाइपरसोनिक है तो हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्लग झपकते इधर से उधर हो जाएगी तो उसकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोगों को कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। अगर बात करें एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें हम लोग बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये बेसिकली आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का एक रिजीम है, जो कि यहां पर ब्रह्मोस सिस्टम की रेंज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने बोला कि ब्रह्मोस की रेंज कितनी है तो 300 किलोमीटर आप लोगों ने बताई, अभी यहां पर इसकी जो रेंज है हम लोग उसकी 450 से लेके 600 किलोमीटर रेंज हम लोग इसकी कर रहे हैं, जिसके चलते बार बार यहां पर बात की जा रही है कि अभी और ज्यादा ताकतवर ये हो जाएगी आने वाले टाइम में। अच्छी बात यहां पर ये है ब्रह्मोस इतनी ताकतवर मिसाइल है कि हम लोग इसको हर जगह से यूज कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन किसी भी टेम्परेचर किसी भी हम लोग इन्वायरमेंट कंडीशन बारिश या फिर आंधी तूफान में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस एक हैवीएस्ट वेपन है जो कि सुखोई 30 से यहां पर लॉन्च किया जा सकता है, और यहां पर लगभग 2.5 टन इसका वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, धरती आकाश पानी हर जगह से हम लोग इसको यहां पर लॉन्च कर सकते हैं, और एक्यूरेसी इतनी शानदार है कि जहां पर हिट करेंगे वहीं पर ही जाकर ये बेसिकली हिट करेगा, इसलिए यहां पर इसको बोला गया कि फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार छोड़ दो और फिर ये अपना काम कर ही बेसिकली एक तरीके से सांस लेगा, इसको आगे गाइड करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार छोड़ दो और फिर उसके बाद सो जाओ, ठीक है। फिर तो यहां पर एक तरीके से फिर तमाशा देखो कि वहां पर क्या होने वाला है। तो डे एंड नाइट दोनों यूज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर किसी भी वेदर किसी भी मौसम में इसको यूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर ब्रह्मोस वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है यहाँ पर, जो कि ऑपरेट की जाती है बेसिकली 2.83 जो 2.8 मैक पर, यहाँ पर यानी कि 3 गुना लगभग जो साउंड स्पीड रहती है हम लोग उससे इसको लॉन्च करते हैं। तो ये बातें हैं इसके बारे में। हमारी कंट्री का अगर कोई मिसाइल सिस्टम आप लोगों से पूछ ले तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। टोटल मिलाकर नॉर्मल तरीके से 7 तरीके के मिसाइल सिस्टम हमारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मिसाइल इसमें बहुत सारी है पर 7 तरीके के सिस्टम है, जैसे सरफेस टू एयर हो गया, एयर टू एयर हो गया, सरफेस टू सरफेस हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, इसी के साथ में क्रूज मिसाइल, इसी के साथ में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल। सबके उदाहरण मैंने इसके सामने लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिले, और कल को पूछ ले जाए कि कैसी मिसाइल है तो एक मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्रूज मिसाइल जो है ये यहाँ पर ब्रह्मोस आप लोगों को देखने को मिलती है, और बाकी सरफेस टू एयर यानी कि धरती से आसमान में वार करने वाली त्रिशूल आकाश आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एयर टू एयर जैसे अस्त्रा मिसाइल आप लोग देखते हैं, सरफेस टू सरफेस यानी कि धरती से धरती पर अग्नि के पांचों वर्जन और पृथ्वी के वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बैलिस्टिक में यहां पर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम आप लोगों को नजर आएगा, और जो यहां पर समुद्र के बारे में बात करें तो सागरिका K-15 K-4 और K-5, इसी के साथ में यहां पर एंटी टैंक मिसाइल नाग और हेलेना आप लोगों ने देखी, तो ये कई सारी मिसाइल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन सकते हैं, मिसाइल मैन के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, क्या मिसाइल वुमेन के बारे में आप लोग जानते हैं? जी हाँ, हमारे देश में मिसाइल वुमेन का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर टेसी थॉमस। तो टेसी थॉमस जो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर जी जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, टेसी थॉमस का नाम आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं आप लोग, एक तरीके से अगर साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं
कोई भी अगर लड़की, तो ये यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है उनके लिए कि हाँ इस लेवल पर भी आप लोग पहुंच सकती हैं। तो टेसी थॉमस इंडियन साइंटिस्ट डायरेक्टर ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम और फॉर्मर प्रोजेक्ट जो यहाँ पर अग्नि 4 के लिए काम किया गया था इनके द्वारा, और यहाँ पर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी, बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों से यहां पर अभी डिस्कस किया, यहां पर मैं बेसिक यहां पर डिस्कस कर रहा था ब्रह्मोस के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको यहां पर क्रूज मिसाइल बोलते हैं, और क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में यहां पर ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सेकंड और निर्भया आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनकी एक तरीके से यहां पर ये होगी सुपरसोनिक, यहां पर हाइपरसोनिक और ये होगी सबसोनिक। तो सारों के बारे में मैंने बता दिया कौन सुपरसोनिक, कौन सी सोनिक रहती है, तो सारी सोनिक जो है उनकी आप लोग चीजें देख सकते हैं। तो यहां पर अभी निर्भया जो है वो लगभग 8 मैक तक यहां पर आप, सॉरी 0.8 मैक तक आप लोगों की स्पीड देखने को मिलेगी। ब्रह्मोस जो यहां पर सेकंड है उसकी और स्पीड यहां पर बढ़ाई जा रही है, तो आने वाले टाइम पर और अच्छे लेवल पर आप लोगों को यहां पर हमारी मिसाइल की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आई होप कि मिसाइल सिस्टम के बारे में आप लोग समझ पा रहे होंगे और पूरा मुद्दा क्या है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दिया करो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को वीडियो फायदा पहुंचा रही है तो आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हो, या फिर आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है, कि यार टाइम जो है वो वेस्ट हो गया फालतू में, कुछ अच्छा काम कर लेते हो उतने टाइम में, ठीक है। तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप, ठीक है। ये एयर, लैंड और सी हर जगह आप लोग यूज कर सकते हैं, ये एक काफी शानदार हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस देने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहां पर ये सारी बात की जा रही है, ओके। तो सारे वर्जन आप लोगों को मैंने बता दिए इसके, अब कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं देखना चाहिए, इसके चलते सारे माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलनी है क्या क्या मुद्दे हैं, कौन कौन से टाइप के मिसाइल है, तो ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है, ओके। आगे बढ़ते हैं, कई बार आप लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं, बोलते हैं ये क्वेश्चन कहां से आ गए, तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं था यार, ये तो बिल्कुल न्यूज में भी नहीं था, मतलब एक तरीके बोलते हैं कि हिस्ट्री क्वेश्चन कहां कहां से पूछ लिया, मतलब कल को चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोग ये बोलेंगे यार ये कहां से क्वेश्चन आ गया, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग देखोगे ना, उस क्वेश्चन की छानबीन करोगे, तो कहीं ना कहीं वो न्यूज में होगा, उसके बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन भी यहां पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो करंट से डिसाइड होते हैं, यानी कि उसके बारे में कोई ना कोई चीज करंट में न्यूज में होगी तो हिस्ट्री का आप लोग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो करंट सबसे शानदार तरीका होता है आप लोगों की पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देने का, ठीक है। तो कोशिश करो कि करंट के ऊपर अपनी अच्छी, सॉरी यार, तो करंट के ऊपर अपनी अच्छी एक पकड़ बनाकर आप लोग रखो, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर आज जो है मैं आप लोगों को एक पूरा टॉपिक कवर कर देता हूं हेस्टिंग के बारे में, कल को चलकर पूछ ले जाए इनके बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या बातें हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर। एक गवर्नर जनरल, तो यहां पर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक यहां पर टाइम पीरियड इनके द्वारा दे रखा है, 1772 से ये 1785 तक रहे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहां पर इनसे रिलेटेड एक गार्डन है, बेसिकली जो इनका घर भी आप लोग बोल सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का, कहां पर कोलकाता के अंदर में, उसको फिर से रिपेयर करने की बात की जा रही है। और रिपेयर कर देखिए क्या होता है, अगर किसी ऐसी पुरानी चीज को हम लोग रिपेयर करते हैं तो उसका मतलब क्या रहता है, उसका मतलब ये रहता है कि उसको आगे चलकर हम लोग मेंटेन करेंगे और इसको टूरिस्ट एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से भी हम लोग इसको डेवलप करते हैं। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो इसी के ऊपर हमारी कंट्री में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग ASI बोलते हैं, तो ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसी बहाने से एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग कवर हो जाएगी और वॉरेन हेस्टिंग्स साहब भी आप लोग कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो जो बातें बताऊंगा पेन और कॉपी लेकर बैठेगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को लगेगा नोट कर लेनी है तो उनको नोट कर लीजिएगा, लंबे समय तक आप लोगों के काम आने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो है वो हमारी कंट्री के क्या थे, वो बेसिकली गवर्नर जनरल थे। तो उसके बारे में याद रखिएगा आप लोग, गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे यहाँ पर, ये 1772 से लेकर यहाँ पर 1785 तक रहे, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बेस पर कई बार आप लोग कई सारे गवर्नर जनरल ये आ जाता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया उसके चलते, तो हल्का सा आइडिया रखेगा यहाँ पर। तो इनको पहले जब स्टार्टिंग में ये बने, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बेसिकली 1772 में ये बेसिकली क्या थे, ये थे गवर्नर ऑफ बंगाल रहे यहाँ पर ये दो साल तक गवर्नर ऑफ बंगाल रहने के बाद में फिर आगे चलकर यहाँ पर इनको क्या बनाया गया, इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल याद रखिएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल से इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया दो साल बाद, कब, 1774 में, ठीक है। तो दो साल बाद इनको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। तो इसलिए आप लोग यहां पर इनके बारे में कई सारी बातें ऐसी देखने को मिलेगी जो कंफ्यूजन में भी डाल देती है, तो याद रखिएगा कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। इनके जो यहां पर ये जो बनाया गया वो किस बेस पर बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इनको किस बेस पर यहां पर ये बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर आया था जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1973, ठीक है।
तो 1773 में यहाँ पर ये बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके बेस पर इनको गवर्नर ऑफ बंगाल से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी। इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली कई सारे सिस्टम आप लोगों को देखने को मिले उस टाइम पर न्यूज में हुआ करते थे। सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट ही आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है वो इसी टाइम पर आप लोगों ने देखने को मिलेगा, कोलकाता के अंदर में सुप्रीम कोर्ट जो था वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया कोलकाता के अंदर में 1774 में। तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन जाता है। इसी के साथ में अगर बात करें रोहिल्ला जो वॉर थी यहाँ पर, ठीक है, तो भी आप लोग को देखने को मिली यहाँ पर। ये रोहिल्ला जो थे और इसी के साथ में जो नवाब ऑफ अवध थे उसके बीच में यहाँ पर वॉर देखने को मिली, ये भी 1774 में ही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर एंग्लो मराठा वार जो हुई वो भी यहाँ पर इसी टाइम पर देखने को मिली आप लोगों को। एंग्लो और मराठा की जो वार थी ये यहाँ पर किब थी यहाँ पर, ये 1775 से लेके यहाँ पर 82 तक आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, इसी के साथ में जब ये मराठा वार थी, इसमें जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार थी इसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई थी, तो ये ट्रीटी ऑफ सालबाई जो थी ये यहाँ पर 1784 में आप लोगों को देखने को मिली। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ये 1784 के टाइम पर आप लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, जो कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ये 1784 में इसी इंसान के टाइम पर यहाँ पर बनाई गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके टाइम पर यहाँ पर की गई, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी यहाँ पर इसी इंसान को बोला जाता है। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं आप लोग? ठीक है, क्या आप लोगों को पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे आप लोग यहाँ पर? चलिए बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनके सामने विलियम लगा हुआ है, विलियम के आगे नाम आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर यहाँ पर देखने को मिले थे। इसी के टाइम पर यहाँ पर अभी ये चीजें जो निकल कर आ रही है, इसी के टाइम पर जो कलेक्टर आजकल में आप लोग बोलते हैं ना कलेक्टर बनना है, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया था कलेक्टर टू मैनेज द रिवेन्यू। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर कलेक्टर बेसिकली अगर कोई नहीं एक तरीके से टैक्स वगैरह को इकट्ठा करने वाला, तो उसका नाम कलेक्टर रखा गया था। तो रिवेन्यू को यहाँ पर मैनेज करने के लिए इनके द्वारा कलेक्टर रखा गया। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको ASI आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में स्टेब्लिश किया गया था 1861 के टाइम पर। ठीक है, तो 1861 पे जब यहाँ पर बनाया गया, तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है यहाँ पर वो यहाँ पर सबसे पहले इसके बेसिकली डायरेक्टर जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंगम 1861 में। ये आज के में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यहाँ पर ये नजर आएगा। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में जो तिलक मार्ग वाला एरिया है वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर आज के में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है ये बता रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम है, ये नाम याद रखेगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो कंफ्यूजन में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। एक तो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी आप लोग की कवर होगी गवर्नर जनरल, और इसी के साथ में यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन आप लोग यहाँ पर कवर होगी। अब लोकेशन जरूर याद रख लीजिए, कोलकाता के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर वेस्ट बंगाल स्टेट पीसेस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज होगी। आगे चलते हैं यहाँ पर, अगर बात करें रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा पांच राज्य के अंदर आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिले। अभी यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर बाइपोल आप लोगों को बाइपोल होते हुए नजर आएंगे। तो बोला गया पांच वैकेंट जो सीट है यहाँ पर पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन की, उनमें यहाँ पर आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये 12 अप्रैल को इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। याद रखना हमारी कंट्री में एक तो नॉर्मल इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये होते हैं बेसिकली बाइपोल, जिनको आप लोग बाई इलेक्शन का नाम भी जानते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ। दूसरा यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। तो बाइपोल या फिर इलेक्शन में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल इलेक्शन तब होते हैं जब आप लोगों की बेसिकली एक ही 5 साल कंप्लीट हो गए गवर्नमेंट को, या फिर एकदम जो गवर्नमेंट है वो बीच में छोड़ के चलेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से नहीं एक कंप्लीट एक मेजोरिटी नहीं है सामने वाले के पास में, तो फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पावर रहती है, और आर्टिकल 324 जो है यहाँ पर ये बेसिकली सारे इलेक्शन कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है। पर लेकिन जब बात करते हैं बाइपोल के बारे में, बाइपोल ऐसा होता है मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसने अपनी पोस्ट से रिजिग्नेशन दे दिया, एंटी डिफेक्शन लॉज के ऊपर लग गया, तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई क्रिमिनल चार्ज था जेल में चला गया, जैसे लालू प्रसाद यादव जी जेल में गए, तो इस तरीके से यहाँ पर इस टाइम पर सीट खाली हो गई, और उन लोगों को कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना तो लोकसभा के अंदर में और ना ही असेंबली के अंदर में स्टेट की। तो यहाँ पर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि हर एक इंसान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बरकरार बनी रहे। तो बाई इलेक्शन और यहाँ पर इलेक्शन में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
और आज के ही न्यूज पेपर में यहाँ पर कार्टून भी है जो कि अभी जो उत्तर प्रदेश के जो बेसिकली लीडर थे यहाँ पर जो मतलब अखिलेश साहब, तो उनके बारे में यहाँ पर बातें लिखी जा रही है कि हाँ जीते नहीं वो एक अलग बात है, पर लेकिन बीजेपी की टैली जो है वो रिड्यूस कर दी और ये हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, एक साइड में किसान और एक साइड में एंटी जो यहाँ पर सीएए है उसके बारे में बात की जा रही है, एनआरसी के बारे में बात की जा रही है, तो कई सारे मुद्दे थे यहाँ पर। तो ये एग्जैक्ट जो रिजल्ट है यहाँ पर आप लोगों के सामने, तो कई सारे मुद्दों का रिजल्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। बाकी एक काफी बड़ी दुर्घटना देखने को मिली दिल्ली के गोकुलपुरी वाले एरिया में, 7 लोगों की जान चली गई यहाँ पर, काफी एक बड़ी आग देखने को मिली यहाँ पर, जिसके तहत यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं, 3 बच्चे भी आप लोग यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें मतलब कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है। बाद में देखिए कंपनसेशन दिया तो जाता है कि हाँ कंपनसेशन दे देते हैं, पर लेकिन रियलिटी में सोचिए जिनका घर जलकर आग हो गया, वहां पर कई सारे बच्चों की अगर डेथ हो गई, किसी घर में किसी इंसान की डेथ हो गई, तो कंपनसेशन भरपाई तो नहीं कर पाता है, पर हाँ ये है कि एक इंसान जो होता है वो जो बर्बाद हो चुका है उसको अपने पैरों में खड़ा होने पर थोड़ी सी हेल्प जरूर करता है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी दुखद भरी घटनाएं यार ये देखने को मिलती है, कई बार हमारे जैसे लोगों की लापरवाही यहाँ पर निकल कर आती है जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए हो सकता है खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात करेंगे सेंसस के बारे में और अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है वो भी बात करूंगा। तो जीएस पेपर 1 के अंदर आप लोगों को अच्छे से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है सेंटर के द्वारा अलाउ कर दिया गया यहाँ पर सेंसस के बारे में बात करेंगे, सेल्फ इनुमरेशन। तो ये सेल्फ इनुमरेशन क्या होता है बात करेंगे, पेज नंबर 9 पर ये न्यूज यहाँ पर दे रखी थी, तो यहाँ पर फर्स्ट पर भी थी थोड़ी, तो एक तरीके से कलेक्ट कर दोनों जगह जो जो बातें सारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे आखिर मुद्दा क्या है, क्यों ये न्यूज में आ गया। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में सेंसस जो चल रहा था बेसिकली 2021 का, वो ढंग से नहीं चल पा रही है चीजें, कोविड-19 के चलते यहाँ पर बीच में इंटरप्शन हो जा रहा है, यानी कि सारी चीजें नहीं चल पा रही है। तो अभी ये जो सेंसस है ये दोनों मोड में आप लोगों को नजर आएगा, डिजिटल भी और इसी के साथ में पेपर के ऊपर भी, यानी कि कागजों के ऊपर भी, और ये सिस्टम बेसिकली इंटरनेट जो आप लोग यूज करते हैं मोबाइल वगैरह, तो उसमें भी चीजें अपडेट की जा रही है, ऐप भी थ्रू यूज किया जा रहा है यहाँ पर। सेंसस जो रूल है अभी यहाँ पर जो कि 1990 का, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो गया। इस अमेंडमेंट में बोला गया कि इनेबल किया जा रहा है सेल्फ इनुमरेशन बाय द रेस्पोंडर्स, यानी कि जो आज के में आप लोग हैं खुद अपने आप लोग अपना डेटा जो है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो 11 मार्च को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया अमेंडमेंट सेंसस रूल इन गजट के अंदर में, तो इसमें ए पर्सन में फिलअप यानी कि एक तरीके से कंप्लीट सबमिट कर सकते हैं अपना जो भी यहाँ पर सेल्फ इनुमरेशन होता है। तो यानी कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग फॉर्म भरने जाते हैं ना, कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें भी तो आप लोग ये करते हैं ना, अपने आप से फॉर्म भर लेते हैं, तो एक तरीके से उसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, कई सारे हालांकि कैफे में जाकर भी फॉर्म भरवाते हैं जिनके पास में स्कैन फोटोग्राफ और वो सब चीजें या फिर लैपटॉप वगैरह नहीं होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है अगर कोई फिल करता है यानी कि एक तरीके से कंप्लीट करता है और सबमिशन करता है सेंसस शेड्यूल बाय द जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनके द्वारा देमसेल्फ यानी कि अपने आप द्वारा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनुमरेशन, यानी कि सेल्फ अटैच। आप लोगों ने सुना होगा कि अपने कागज को सेल्फ अटैच कर देना भाई। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर गई स्टेट ऑफिसर के पीछे भागते रहते थे, अब ये काफी अच्छा काम किया गया जिसको सेल्फ अटैचमेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ये बातें हैं। इसी के साथ में एनपीआर का डेटा भी यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है, 2010 और 2015 में भी एनपीआर का डेटा जो था यहाँ पर कलेक्ट किया गया था, और लगभग यहाँ पर 119 करोड़ जो रेजिडेंट हैं उनके डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे यार सिटीजन तो सुना है हम लोगों ने, एनपीआर क्या हो गया, तो दोनों के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में बातें करता हूँ। जब सिटीजन आप लोग बोलते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है पार्ट 2 के अंदर संविधान के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। तो हमारा सिटीजन जो होता है और उसको जिसको भी नागरिकता मिलती है वो इस आर्टिकल के बेस पर यहाँ पर मिलती है, पर लेकिन एनपीआर में क्या होता है, एनपीआर में होता है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। इसमें दोनों ही आ जाते हैं, एनपीआर में दोनों आ जाते हैं, इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों आ जाते हैं। मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि यहाँ पर जब आज की डेट में हमारे देश में कोई इंसान है बाहर से रहने के लिए आए, तो अगर वो ऑलरेडी 6 महीने यहाँ पर रह चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में 6 महीने यहाँ पर रहने वाला है, तो उसको हम लोग एक यूजुअल रेजिडेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं और उसका भी डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं कि यहाँ पर ये इंसान जो है ये बेसिकली कहाँ पर रह रहा है, उसका सारा डेटा होना चाहिए ना, कल कोई स्कीम वगैरह लॉन्च करनी है कुछ भी करना है, तो उसके चलते ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गांव से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से और नेशनल लेवल पर यहाँ पर ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कई बार न्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो एनपीआर में कोई डिफरेंस आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, अब समझ में आ जाना चाहिए कि एनसीपीआर और सिटीजन में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है दोनों तरीका होता है, डेमोग्राफिक यानी कि कहां पर रहते हैं, कहां पर पड़ा, मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फादर मदर के नेम क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी, वो सारी चीजें यहां पर डिक्लेयर करनी होती है। और बायोमेट्रिक भी यहां पर बात किया जाए जैसे आधार कार्ड फोटोग्राफ और 10 फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन इनके आंखों की पुतले का स्कैन, वो वाले मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा डेटा है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना है।
सेंसस के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से न्यूज में है और बीरबल की खिचड़ी बन चुका है सेंसस कोविड-19 के चलते। हम लोग इसको कंडक्ट ही नहीं करा पा रहे हैं। तो 1949 में हमारी कंट्री में एक कानून लेकर आया गया, जिसको आप लोग 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि जनगणना, भारत के अंदर में उसका एक कानून बनाया गया, जिसके बेस पर बोला गया कि हमारे देश में जनगणना कराई जाएगी इस पर्टिकुलर कानून के हिसाब से। तो कौन सा मंत्रालय करेगा यहाँ पर ये जनगणना? तो बोला गया होम मिनिस्ट्री यहाँ पर ये जनगणना करेगी, और इसी के साथ में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो रहेंगे वो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर इसको कंडक्ट कराएंगे। अभी 2011 में जो हमारा था ये 16वें नंबर का नेशनल सेंसस था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 1872 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर 20 के साथ में आजादी के बाद अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 7वें नंबर का सेंसस, ठीक है। तो एक तरीके से टोटल मिलाकर 15 हो गए और ये हो गया 7वें नंबर का आजादी के बाद में, जब हम लोग 1872 से इसको चेक करते हैं। दो फेज में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाउसिंग लिस्ट की जाती है, फिर पॉपुलेशन को देखा जाता है, काउंट किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है एक एक कर, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन अभी बोला यह गया था कि जो सेंसस का डेटा है वो यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल किया जाएगा, पर बहुत सारे इशू आ जाते हैं अभी जो देखने को मिला। पर लेकिन 2021 में क्या सारी अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, क्योंकि 2014 में आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में एक जजमेंट आया। पता है जजमेंट कौन सा था? याद रखिएगा, ये जजमेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, एंड ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2014 का सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद में हमारी कंट्री में ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर समुदाय है उसको हम लोगों ने थर्ड जेंडर बना दिया। थर्ड जेंडर मतलब यानी कि एक तरीके से जैसे आप लोग फॉर्म भरने जाते हैं तो अभी उसमें मेल और फीमेल लिखा रहता था, अब वहां पर अदर्स या फिर ट्रांसजेंडर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इस कानून से निकल कर आया और इनको सारे अधिकार यहां पर दे दिए गए, तो अब उनकी संख्या भी यहां पर इसके अंदर काउंट की जाएगी, ये इंपोर्टेंट है यहां पर, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा यहां पर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर नहीं रहती है, और सेल्फ इनुमरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बताई दिया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि आप लोग कोई भी डाउट इसके बारे में नहीं होना चाहिए। लेकिन जनगणना के बारे में और भी बहुत सारे आर्टिकल आगे आएंगे, तो टाइम टू टाइम और भी कई सारी एक्स्ट्रा बातें मैं आप लोग को बताता रहूंगा। अभी फिलहाल जो बताया है इसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पर किसके बारे में, कि सोशियो जो यहाँ पर इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है। तो सबसे पहले 1931 में यहाँ पर ये कंडक्ट कराया गया था, अभी फिलहाल 2011 में कंडक्ट कराया गया, पर अभी यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डेटा पब्लिश नहीं कराया, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है कई बार कि कास्ट का सेंसस भी अलग से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कास्ट का सेंसस अगर अलग से होगा तो पता चल जाएगा कौन कौन सी कास्ट में कितने लोग हैं। तो इसके चलते कई बार ये दिक्कत रहती है कि यार आज भी हम लोग कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी और ज्यादा डिवाइड हो जाएगी। तो कई बार ये बोलते हैं कास्ट के बारे में हम लोग को बात ही नहीं करनी चाहिए, अगर चाहते हैं कि समाज को हम लोग एकजुट रखना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग चाहते हैं कि कास्ट का सेंसस होना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे, यस या फिर नो? आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग अपनी बातें बता सकते हैं। डिफरेंस क्या रहता है यहाँ पर, जो नॉर्मल सेंसस रहता है और यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक सेंसस रहता है। देखिए इसमें क्या डिफरेंस रहता है, पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर फोकस दिया जाता है, कास्ट से रिलेटेड डेटा इकट्ठे किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सेंसस जो रहता है वो यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर एक तरीके से बात करें तो ये पर्टिकुलर जो कास्ट वगैरह को भी यहाँ पर काउंट करके चला जाता है। और 1940 अगर बात करें, 1940s में ये भी बातें बोल दी गई थी कि आज की डेट में जो सेंसस है ना वो हमारा एक जर्नलिस्टिक फॉर्म में रहता है, यानी कि स्पेशलिस्ट फॉर्म में नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं कि सेंसस के डेटा का बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, बस हाँ काउंटेबल चीजें पता चल जाती है कि ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर एक थे WM, जो यहाँ पर WM जिनका नाम था यीस्ट, ठीक है। तो WM यीस्ट जो सेंसस कमिश्नर थे 1941 में, उनके द्वारा खुद ने बातें बोली गई थी, ठीक है, कि ये कोई ऐसी नहीं कि एक स्पेशलाइज्ड ये चीज है, यहाँ पर एक जर्नलिस्टिक फॉर्म में हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं डेटा को, ठीक है। तो कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि इतना मेहनत करके एक जर्नलिस्टिक डेटा हम लोग को मिलता है, ओके। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये न्यूज आप लोग देखते हैं, मैप के कुछ क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर बनते हैं, तो मैं आप लोगों को कंफ्यूजन से निकालूंगा यहाँ पर। ये जीएस पेपर 2 के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। 15वीं राउंड की अभी इंडिया और चाइना के बीच में टोक देखने को मिली, तो ये यहाँ पर पेज नंबर 9 पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अभी रिसेंटली यहाँ पर 12 जनवरी को ये बातें, यानी कल के दिन ये बातें हुई, पर लेकिन रियलिटी में कोई सोल्यूशन नहीं निकला इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में कुछ मुद्दे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर जब मई 2020 से अगर आप लोग बात करें तो लंबे समय तक यहाँ पर कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। 14 बार अब तक मिलकर हम लोग बात कर चुके थे, 15वीं बार भी बात कर ली। इसमें एक तो यहाँ पर आप लोग को पेंगोंग सो लेक देखने को मिलेगा, ठीक है। फरवरी 2021 में भी यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिली थी, कई सारे पेट्रोलिंग पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा, जिसके चलते आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे।
ये अलग अलग लोकेशन है, जैसे यहाँ पर पेटुलिंग पॉइंट 14 हो गया, गालवान वैली वाला पेरिया हो गया, पेंगोंग सो लेक हो गया यहाँ पर, तो ये कई सारे रीजन देखने को मिलते हैं। इसमें जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन है, जो कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि फिंगर वन, फिंगर टू, फिंगर थ्री, ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो लेक है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं थोड़ा सा, यहां पर आप लोगों को लेक देखने को मिलेगी जिसको पेंगोंग सो लेक बोलते हैं, ठीक है। इसके आसपास वाले रीजन को जब जूम कर देखोगे तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, एक साइड में अपनी कंट्री होगी यानी कि अपना प्यारा भारत, एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये होगा चाइना वाला रीजन। तो यहां पर जब इंडिया बोलता है कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि हम लोग जब ये रीजन का नाम करते हैं यहां पर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है, तो हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानते हैं कि ये वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहां पर, ये वाला रीजन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यहां पर फिंगर 8 तक जाती है, पर चाइना कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो बोलता है वो यहां तक है, ये वाली है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वो चाहता है कि ये वाला रीजन जो है वो भी चाइना के कंट्रोल में रहे, ऐसा बोलते हैं। इंडिया बोलता है कि नहीं, ये वाला रीजन जो है हमारे अंदर में है। तो ये टोटल मिलाकर 8 किलोमीटर का जो रीजन है, जिसमें फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 ये वाला रीजन है, ये यहां पर इसको देखकर दिक्कतें निकल कर आती है। तो यानी कि इंडिया और चाइना दोनों इसको क्लेम करते हैं, हालांकि अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए चाइना ने इसको हड़पाया, वैसे हमारा ही ये सारा रीजन वो एक अलग बात है, पर लेकिन फिर भी यहां पर जो बदतमीजी काटता हुआ नजर आता है चाइना, उसकी वजह से यहां पर ये इशू देखने को मिलते हैं। और इंडिया और चाइना के बीच में अलग अलग रीजन यहां पर, अगर आप लोग बात करें एक्साइज चीन वाला रीजन हो गया, जिसको आप लोग वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, लगभग 1570 किलोमीटर का एरिया है जो कि चाइना क्लेम करता है। सेंट्रल सेक्टर वाला रीजन हो गया ये, जिसको लगभग 545 किलोमीटर का एरिया है, यहां पर भी चाइना बदतमीजी काटता है। और यहां पर लगभग 1325 किलोमीटर का एरिया हो गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश वाला और सिक्किम वाला एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा, भूटान को अगर यहां से हटा दे तो 1325 किलोमीटर। तो पहले नंबर पर वेस्टर्न, दूसरे नंबर पर ईस्टर्न और तीसरे नंबर पर हो गया सेंट्रल, तो ये भी कई सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अलग अलग पॉइंट है, जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर, ये यहां पर पर्टिकुलर एरिया हो गया हॉट स्प्रिंग 15, जिसके बारे में बात की जा रही है, गालवान वैली वाला एरिया आप लोगों से पूछा गया यहां पर रिसेंटली अभी, तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर कई जगह आप लोगों को यहां पर रिसेंटली अभी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। फिंगर 4 आप लोगों को यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको जूम कर मैंने ये वाला मैप आप लोगों को इसलिए दिखाया कि कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन कि यार ये फिंगर 4, फिंगर 5 क्या है, और कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैप पर एक्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के माइंड में अगर क्लियर रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसान, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आप लोगों को आसानी देखने को मिलेगी। इसलिए मैप की चीजें आप लोग ढंग से देखा करो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इसी पर पेंगोंग सो लेक है जो यहां पर मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर ये रीजन में आप लोगों को नजर आएगी जिसके ऊपर दिक्कतें देखने को मिलती है। गालवान वैली में जब झड़प हुई थी तो ये वाला रीजन यहां पर दिक्कत में आ गया था, और ये सारा रीजन जो है यहां पर ये चाइना के द्वारा हड़पा गया था 1962 में, और यहां पर ये वाला रीजन जो था इसको सक्सम वैली के नाम से आप लोग जानते हैं। ये भाई साहब पाकिस्तान ने खुश होकर चाइना को गिफ्ट कर दिया, जब चाइना ने 1962 में लड़ाई की इंडिया के साथ में, तो पाकिस्तान ने बोला कि लो ये रीजन भी तुम अपना आप रख लो, कल को चलकर अगर हमको कुछ जरूरत पड़ेगी तो हमारी हेल्प कर देना। तो तब से लेकर अब तक का अगर देखो पाकिस्तान और चाइना जो है वो लंगोटिया यार आप लोग को बने हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ में आ गई होंगी चीजें। तो देखते हैं कब तक सिचुएशन सुधरती है, हालांकि चाइना अभी थोड़ा सा यूक्रेन इशू के चलते यहाँ पर अभी फिर से अभी बोल रहा है कि थोड़ा सा बॉर्डर को सुलझा लेते हैं, वो सब बातें, पर देखते हैं रियलिटी में कितना सीरियस है तो आगे पता चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर बन जाते हैं, और ये बजट में भी था, बजट वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, जो मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई थी इसमें बजट का ओवरव्यू आप लोगों को दिया था, जिस किसी ने नहीं देखी है सर्च कर लेना बजट बाई वीर, काफी सारे लोग उसको अब तक देख चुके हैं, तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के देखने को मिल जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी यहां पर बॉर्डर के दोनों साइड पर चाइना जो इंडिया के बॉर्डर पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काम किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर, और चाइना अपनी साइड में यहां पर कई सारे गांव बना रहे हैं, और इंडिया ने भी अभी यहां पर एक बजट के अंदर में अनाउंस किया गया जिसको वाइब्रेंट विलेज बोला गया। तो अगर पूछ ले कोई वाइब्रेंट विलेज का मतलब क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर वाइब्रेंट विलेज की बात की गई थी बजट 2022-23 में, कि हम लोग हमारे जो बॉर्डर एरिया है जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो गया, इन सारे रीजन में हम लोग अपने गांव जो है वो स्टेब्लिश करेंगे, और जो ऑलरेडी अवेलेबल गांव है उनमें ढांचागत विकास करेंगे। क्यों? क्योंकि कल को चलकर चाइना क्या रहता है पड़ोस में आकर बैठ जाता है और बोलता है कि यहां पर आकर बैठ गया और बोलने लगा ये नहीं हम है यहां पर बहुत दिनों से, ये एरिया हमारा हो गया, ये तो हमारे अंडर में आता है, तो अपने चाइनीज लोगों को ला कर बैठा देता है। अरुणाचल प्रदेश में कई सारे एरिया के अभी आप लोगों ने देखा उन्होंने नाम भी चेंज कर दिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना ये बोलता है कि तो अपना ही रीजन है, ठीक है, तो अपना ही भाई है यहाँ पर बेसिकली, है ना,
ये बोलता है कि तुम लोग आ जाया करो, वीजा वीजा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घूमने आ सकते हो। तो ऐसी ऐसी बदतमीजी देखने में यहाँ पर चाइना की मिलती है। तो ये हरकतें चाइना बार बार करता हुआ नजर आता है। तो इसलिए ताकि कल को ऐसी बदतमीजी न करें, हम लोग अपना सटीक एरिया जो है डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसके चलते अपनी कंट्री के जो बॉर्डर एरिया में हम लोग अपने गांव को बसा रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे द्वारा लाया गया बॉर्डर विलेज एरिया को डेवलप करने के लिए। हमारी कोस्टल एरिया है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर ये लद्दाख वाला रीजन जो कि चाइना के साथ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके चलते ये न्यूज में है। तो वाइब्रेंट विलेज के बारे में अगर कोई पूछ ले तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर। तो जिसके चलते बार बार ये चीज देखने को मिलती है, इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को बता दिया मैंने, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं। केरला जो है वो टॉप कर गया मैटरनल में और इसी के साथ में चाइल्ड हेल्थ में, यानी कि जच्चा और बच्चा का ध्यान रखने में यहाँ पर केरला ने टॉप कर दिया यहाँ पर। और ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसके द्वारा ये बातें बताई गई है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये स्पेशल बुलेटिन जो है यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात किया गया। देखिए अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर हेल्थ के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, ठीक है, जिसके चलते आप लोग उसके बारे में अगर माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो सही रहेगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट के बारे में बात की जा रही है, तो हेल्थ के बारे में अगर कोई भी आप लोगों से पूछ ले तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और इसमें 169 टारगेट है। तो हेल्थ के बारे में अगर कोई बात करेगा तो तीसरे नंबर का जो गोल है, सब चीजों की हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत सारे टारगेट यहां पर रखे गए कि कैसे चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है। तो उसमें से हेल्थ भी यहां पर एक इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा और हेल्थ वाले मुद्दे को भी कई बार बातें की जाती है। तो उसी के चलते यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो हेल्थ के बारे में बात की जा रही थी, उसी को इंडिया जो है वो एक अच्छे लेवल पर आगे लेकर चलता हुआ अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर 1 लाख महिलाएं जो होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, 1 लाख महिलाएं बच्चों को जन्म देते टाइम जितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 लाख में कितनी महिलाओं की डेथ हो गई। तो यहां पर अभी केरला जो है वो काफी नीचे आ गए, पर लैक यहां पर ओनली 30 महिलाओं की जान गई बच्चे को जन्म देते हुए। तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया। तो ये डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेशियो होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो 1000 पर निकाला जाता है, यानी कि 1000 बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चों की डेथ होगी उसको हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख पर निकाला जाता है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1000 पर निकाला जाता है। तो ये एक डेफिनेशन है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में भी पास्ट में पूछे जा चुके हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे टॉप पर मैंने बताया कौन है, वो केरला है, जिसने काफी हद तक चीजों को यहां पर कंट्रोल अभी रिसेंटली कर लिया है। तो आप लोग पूछोगे दूसरे अभी बता दो यार। दूसरे नंबर का है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र ने भी 55 से घटाकर 38 यानी कि 38 कर दिया गया। तो माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं केरला जो है जो कि अभी यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में वो 30वें नंबर पर आ गए, यानी कि 30वें नंबर पर नहीं, सॉरी वो 30 कैटेगरी में आ गए, यानी कि 30 पर ले आया वो घटाकर इसको, ठीक है। 2017 से 19 के धारावी के जो घटाकर लेकर आया, तो यहां पर ये 30 की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी बड़ी बात है यहां पर। अगर कंट्री का बात करें तो कंट्री में 103 है पर लेकिन केरला का 30 है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट जो रखा गया है वो यहां पर आप लोग देखते हैं 30। तो इसके चलते हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करता हुआ हमारी कंट्री का केरला राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक लोता राज्य है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो MMR है वो यहां पर 30 बोला गया था, ठीक है। तो ये आप लोग देख समझ सकते हैं। तो हम लोग काफी अच्छे यहां पर इसको अचीव कर रहे हैं, तो ये काफी एक अच्छी बात आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो यानी कि इसके बारे में क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से हेल्थ वाले और एजुकेशन के बारे में, तो केरला मैक्सिमम टाइम आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलेगा। तो केरला के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। और केरला के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों को मैप में भी देख सकते हैं, यहां पर अगर केरला को देखेंगे तो साउथ इंडिया में राज्य है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर टच करते हैं और इधर ये अरेबियन सी की साइड में आप लोगों को केरला देखने को मिल जाएगा। बाकी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है जो कि यहां पर एक लेक के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह बेसिकली अस्तमुड़ी लेक, ठीक है। तो अस्तमुड़ी लेक जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज में यहां पर एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है जिसके चलते यहां पर बात की जा रही है। ये कई बार ना कई तरीके की सेरेमनी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर उसी के चलते कई सारे लेक रहते हैं, कई सारे जो पेड़ पौधे रहते हैं हम लोग उनकी पूजाएं करते हैं, तो उसके चलते यहां पर चीजें न्यूज में आ जाती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग याद रखेगा। तो मैं अस्तमुड़ी लेक के बारे में आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। अस्तमुड़ी लेक जो है यहां पर ये आप लोगों को केरला के अंदर देखने को मिलेगी जो कि यहां पर कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, अस्तमुड़ी, अस्तमुड़ी मतलब एट यहां पर ब्रेड सैंड की चोटियां जो होती हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर जो एक तरीके से नहीं जो एक 8 चोटियां जो होती है उनको काउंट कर बेसिकली ये इस लैंग्वेज में मलयालम लैंग्वेज में इसको बोला जाता है।
और ये जिसकी सेप आप लोगों को देखने को मिलेगी तो कुछ कुछ ऐसी यहाँ पर ये अंदर तक घुसी हुई आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के घर बने हुए, ठीक है, और यहाँ पर चाहे तो नाव के थ्रू यहाँ पर लोग आते जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग जो है अपनी नाव वगैरह भी रखते हैं, ये समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसी कुछ आप लोगों को यहाँ पर लेक देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसकी जो शेप आप लोग देखोगे इसको यहाँ पर ये हथेली के शेप में से, हथेली की उंगलियां नहीं होती है आप लोग, हथेली की उंगलियां मतलब हाथ की उंगलियां होती है जो एक तरीके से, तो इसलिए इसको पाम शेप या फिर इसको ऑक्टोपस शेप का नाम भी इसको दिया गया है इस पर्टिकुलर लेक का, तो ये यहाँ पर इसका नाम बोला गया है, ठीक है। ये जो लेक है यहाँ पर ये आप लोगों को मल्टी ब्रांच वगैरह आप लोगों को इसकी देखने को मिल जाती है, जैसे अभी अलग अलग एरिया मैंने दिखा कैसे कैसे ऑक्टोपस टाइप में देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर हाउस बोट और यहाँ पर बैक जो यहाँ पर बैक वाटर रिजोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इतने अंदर तक ये घुसी हुई है, आप लोग इसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर सबके घर भी बने हुए, इतने अंदर तक यहाँ पर चीजें गई हैं, तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर लेक जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, रामसर कन्वेंशन के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड के बारे में बात करें तो ये उसका भी पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर रामसर के बारे में बात करें, रामसर साइट के बारे में, तो टोटल मिलाकर कितनी रामसर साइट है याद है या फिर आप लोगों के माइंड से निकल गई बताइए जरा, मैंने आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, कोई कंफ्यूजन उसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक लेक तैयार होगी आप लोगों के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूछ ले जाते हैं, ओके। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर जो देखने को मिलेगा आप लोगों, बेसिकली जो अभी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में बात की, तो अलग अलग राज्य के चीफ मिनिस्टर जो है वो ओथ लेने वाले हैं, तो पंजाब में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर लैंडस्लाइड विक्ट्री जो देखने को मिली, तो उसमें यहाँ पर भगवत मान जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो गवर्नर साहब से मिल रहे हैं जिनका नाम है यहाँ पर बनवाल पुरोहित, ठीक है, तो बनवारी लाल पुरोहित। तो यहाँ पर ये तीन आर्टिकल कम से कम आप लोग याद रखिएगा, जब भी चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई आप लोगों से पूछ लेना तो ये तीन आर्टिकल आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। आर्टिकल 163 क्या बोलते हैं कि गवर्नर एडवाइस करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो कि हेडेड की जाएगी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस की जाएगी किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, नहीं सॉरी उल्टा है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा गवर्नर को, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, और यहाँ पर जिसको हेड कौन करेगा वो करेगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये देखिएगा, देख कई बार ना चीजें दिमाग में तो चलती रहती है कुछ और, ठीक है, यानी लग रहा है कि मैं वही सही बोल रहा हूँ पर लेकिन कई बार ऐसे हो जाती है, तो ये नहीं कई बार की समझाना कैसे है जब दिमाग में वो चल रहा होता है तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हैं और लगे कि मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाया, सही नहीं कर पाया, तो बता दिया करो उसको, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको सही कर लेंगे, ओके। तो जहां पर भी लगे कोई गलती कर दी है तो आप लोग उसको बता सकते हैं, यार इंसान ही है तो नहीं कहते एक गुलजार छन्नी वाले का सॉन्ग से बोलते हैं एक लाइन कि मैं भी तो इंसान ही हूँ कि जन्नत उतरा से, तो वही वाली बातें होती है, हर एक इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, पर ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि रिपीट न की जाए मिस्टेक, अगर गलतियां हो रही हैं तो उसको रेक्टिफाई किया जाए और आगे बढ़ा जाए, पुरानी गलतियों को रिपीट न किया जाए, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन से भी यहाँ पर डिसीजन लेता है, हालांकि आर्टिकल 164 गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है चीफ, मतलब गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी पार्टी के जो भी यहाँ पर मेंबर रहते हैं उनको क्या करता है, उनको अपने मिनिस्टर बनाता है, अपनी फोर्स तैयार करते हैं। और आर्टिकल 167 भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बना रहे यहाँ पर, ये तो ये काम इसका देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक और छोटी सी चीज यहाँ पर, बेसिकली गुजरात के अंदर कल चीफ मिनिस्टर जो सॉरी गुजरात के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे, जो कि एक टाइम पर चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे गुजरात के, उनके द्वारा उस टाइम पर यहाँ पर खेल महाकुंभ जो है ये स्पोर्ट जो ये चीजें स्टार्ट की गई थी, तो उसमें अब जो है काफी लार्ज स्केल पर चीजें पहुंच चुकी है, तो उसको अभी और अच्छे लेवल पर यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के बाद में अभी आगे चलकर गुजरात में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसी के चलते असेंबली इलेक्शन है यहाँ पर आने वाले टाइम में, इंक्लूडिंग जो यहाँ पर आने वाले टाइम में तो गुजरात भी, तो उसी के चलते यहाँ पर चीजें अभी स्टार्ट हो जाएगी गुजरात में, तो यहाँ पर उसी के मुद्दे पर यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। तो इसी के चलते बात की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन जो है स्टेट में नवंबर जो इसी साल के एंड में नवंबर दिसंबर में आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए कहा जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन देश के अंदर हो जाने चाहिए एक बारी, वरना मैक्सिमम पॉलिटिशियन जो है फिर इलेक्शन के मुद्दों में पड़े रहते हैं, लोगों को लुभाने पड़े रहते हैं, पर लेकिन देखो हर चीज के अच्छे भी हैं नुकसान भी हैं, तो कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर डिबेटेबल है, मतलब आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, ये बातें हैं। बाकी यहाँ पर ये मुझे समझ में नहीं आता है, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में घटना देखने को मिलती, 25 लोग इंजर्ड हो गए, एमएलए साहब जो है वो उनकी जो गाड़ी है वो क्राउड पर चढ़ गई आकर, मतलब भाई साहब ऐसा क्या हाथी घोड़ा लेकर आप लोग चलते हो, मतलब लोगों पर चढ़ा देते हो, क्या दिखता नहीं है क्या, बिल्कुल अंधे रहते हैं क्या, अभी उड़ीसा में यहाँ पर बेसिकली हरकतें देखने को मिली। तो यार ये गलत चीजें हैं, इनका कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए, ये टाइम टू टाइम आप लोगों को रिपीटेडली चीजें देखने को मिलती रहती है, ये इसका कुछ इलाज करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
यहाँ पर एक है, यहाँ पर डिजिटल ये अवेयरनेस क्लासेस के बारे में बात की जा रही है, जो ITBP की जो इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो इसके चलते लगभग 300 के करीब यहाँ पर स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, ये काम किया जा रहा है यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा, जो कि यहाँ पर जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, फिर जो पर्सनल की डेथ हो चुकी है, ताकि उनकी लाइफ को थोड़ा इंप्रूव किया जा सके। इनको नॉर्मली हिमवीर मतलब जो कि बर्फ में काम करने वाले एक तरीके से साहसी लोग जो एक तरीके से वहां पर जो डटे रहते हैं, तो हिमवीर वाइब्स बोला गया है, यानी कि वो हिमवीर जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए वेलफेयर का प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर इसके बारे में तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार मैच करने के लिए आता है कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर कौन रहता है, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फोर्स हमारी कहां कहां पर काम कर रही है, तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक छोटी सी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आने वाले टाइम में अगर हम लोग क्लाइमेट के गोल अपना अचीव करना चाहते हैं तो 20 बिलियन हम लोग को खर्च करना पड़ेगा यहाँ पर एक तरीके से हर साल, तब जाकर हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे, यानी कि 1.53 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे तब जाकर हम लोग ये जो पांच बड़े बड़े वादे मोदी जी के द्वारा किए गए थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में उनको अचीव कर पाएंगे। पांचों के पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है, तो कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना, कई बार पहले भी आप लोगों को ये बता चुका हूं मैं, ओके। अभी यहाँ पर एक और मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, रसिया और यूक्रेन के बीच में यहाँ पर जो अभी स्टेप जो है थोड़े से और अटैक के रसिया ने बढ़ा दिए, क्योंकि सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कभी लगता है घटा दिया कभी बढ़ा दिया, तो चल रही है मुद्दे। और अभी यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बार बार यहाँ पर न्यूज में आ रहा है, तो इसके चलते आप लोग थोड़ा सा कुछ याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सेंशन की बात की जा रही है स्पेस की स्टेशन को लेकर, देखिए स्पेस स्टेशन जो है ना जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं, ये एक टाइम पर ऐसा था कि यूएसए ने सबने रसिया भी था यहाँ पर उसमें मिलकर ये बनाया गया था, पर लेकिन आज के डेट में ये न्यूज में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सेंशन लगाने की जब बात करते हैं किसके ऊपर, यहाँ पर बेसिकली जो ये रसिया के ऊपर, तो यहाँ पर चीजें निकल कर आती है। तो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो मिलकर बनाया गया था इन सब लोगों के द्वारा, पर लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पर ये इससे बाहर निकालने की बात की गई रसिया को, तो रसिया गुस्से में आ गया, रसिया ने बोला गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर अगर हरकतें करोगे यहाँ पर। तो ये जो बनाया गया था ये आज का नहीं है, काफी पुराना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पर अभी ये रिटायर होने वाला है, यानी कि बुढ़ा गया है यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये लॉन्च किया गया था 1998 में, ठीक है, बोला गया था कि 2015-16 तक लगभग काम करेगा, पर लेकिन फिर बोला गया कि 2030 तक तो चली जाएगा, तो नहीं कहते मरम्मत कर आगे तक बढ़ा लेते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है। तो जब भी सेंक्शन की बात आती है तो यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती है, तो वो तो सब बातें हैं चलती रहती है, पर लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है, ये पांच पांडव के द्वारा मिलकर बनाया गया था, पांच पांडव मतलब यानी कि पांच लोगों के द्वारा, जिसमें नासा था यूएसए का, ठीक है, इसी के साथ में रोसकोसमोस था रशिया का, इसी के साथ में यहाँ पर JAXA था जापान का, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का, और CSA कनाडा की स्पेस एजेंसी, इन पांचों के द्वारा मिलकर बनाया गया। हालांकि चाइना जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन यहाँ पर अब डेवलप कर रहा है, वो अलग बात है, और हम भी अपने लिए इसमें काम कर रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे आप लोग देख सकते हैं। और अभी ये भी बोला गया है यहाँ पर जो रसिया है वो टारगेट कर सकता है वेस्टर्न वेपन सप्लाई इन टू यूक्रेन, तो यहाँ पर क्या करे जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो वेपन सप्लाई कर रहा है, तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पर चल कर आ रहा है। तो कई सारे इश्यूज हैं यहाँ। सऊदी अरेबिया से रिलेटेड एक न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, सऊदी अरेबिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर कलंक है, यानी कि वहां पर ज्यादातर फ्रीडम कुछ होती नहीं है, सारी दादागिरी चलती है। तो यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर रईफ बदवई, ये लगभग 10 साल तक जेल में रहकर आए क्योंकि इनके द्वारा इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल दिया गया था, जिसको नॉर्मली आप लोग ब्लास्फेमी बोलते हैं, यानी कि धर्म के खिलाफ कुछ शब्द बोल देना। तो इसके चलते यहाँ पर ये अभी जेल से निकल कर आए, पर अभी इनके ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिया गया है, और ऐसे कई सारी चीजें आप लोगों को सऊदी अरेबिया में देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन देखने को मिलेंगे सऊदी अरेबिया ईरान इन कंट्री के अंदर में, जैसे यहाँ पर लेटेस्ट एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पर ये टोल जो है जनवरी में यहाँ पर लगभग 1980 के करीब मास एग्जीक्यूशन यहाँ पर देखने को मिले, 63 मिलिटेंट कन्वेक्टेड पाए गए थे। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर एग्जीक्यूशन इनके फांसी पर चढ़ा दिया था, तो बाहर के देश में जाओ तो थोड़ा सभ्य रहना, बदतमीजिया देखने को कोई होगी तो तुरंत लटका देंगे फांसी पर, ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पर साइंस एंड टेक के अंदर में एक आर्टिकल आया है कि एंटीबॉडीज के बारे में, एंटीबॉडी क्या होती है, जब आप लोगों की बॉडी के अंदर कोई बीमारी होती है तो यहाँ पर आप लोगों की बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम उससे लड़ने का काम करता है, तो एंटीबॉडी होती है। तो बहुत एडल्ट और जो इसी के साथ में जो एडल्ट और जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसमें अभी COVID-19 के बोले गए कि एसिम्प्टोमेटिक, जिनका कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और ओनली माइल्ड सिम्टम देखने को मिले हैं, ठीक है, तो ये चीजें निकल कर आई COVID-19 के चलते। SARS-CoV-2 के चलते यहाँ पर जैसे बॉडी में इंजेक्शन लगाए गए तो उसके चलते हमारी बॉडी जो है उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बीमारी को टैकल करने का तरीका था। पर लेकिन अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लगभग
45 में से 20 जो चिल्ड्रन है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, ऑन बीइंग इन्फेक्टेड कंपेयर टू जो 32 से 42 के एडल्ट लेंगे। यानी कि बोला जाए कि चिल्ड्रन मोर प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडी एज कंपेयर टू जो यंग जनरेशन है, ये बोला जा रहा है। जो सीटी वैल्यू भी यहां पर निकाली जा रही है उसमें भी यहां पर बच्चों की 28 आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये यहां पर बातें निकल कर आ रही है। तो एक स्टडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ फिर भी याद रख लेना हल्का सा, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इसी के साथ में यहां पर एक ये है बेसिकली किताब के बारे में बात की जा रही है, रिट्स एश्योर्ड। तो ये किताब के बारे में आप लोग याद रखिएगा जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है। जी आर जिनका नाम है यहां पर विश्वनाथ, ठीक है, तो इनके द्वारा ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसको अभी लॉन्च किया गया है। कपिल देव साहब भी थे यहां पर और इसी के साथ में गांगुली साहब भी थे जिनके द्वारा मिलकर यहां पर ये काम किया गया है, ठीक है। तो कल को चलकर अगर किताब के बारे में पूछ ले प्लेयर के बारे में तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा, तो ये गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, ठीक है। तो गेम के बारे में बात हो गई। एक और न्यूज है छोटी सी यहां पर, लक्ष्य सेन जो है उनके द्वारा ओलंपिक चैंपियन जिनका नाम था विक्टर इलेक्शन, ठीक है, तो उनको हरा दिया गया है और ये यहां पर जो जर्मन ओपन के फाइनल में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए किसी एक तरीके से चैंपियन को हरा देना तो एक आसान बात नहीं होती यहां पर, तो ये अप्रिशिएट करने वाला मूव आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं यहां पर, ये है बेसिकली किसके बारे में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी ईपीएफ के बारे में। तो इम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जिसको ईपीएफ बोलते हैं, जिसके एग्जाम की भी आप लोग तैयारी करते हैं, तो उसी के बारे में। तो यहां पर आप लोग जैसे अपने प्रोविडेंट फंड में आप लोग पैसा रखते हैं तो यहां पर 8.5 का यहां पर आप लोगों को इंटरेस्ट मिला करता था, अभी घटाकर 8.1 कर दिया गया। तो इसके चलते क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यार जब आप लोगों को बढ़ाना चाहिए ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है और आप लोग इसको घटा रहे हो, तो यहां पर इसको अभी यहां पर अगर पुराने टाइम पे साथ हुआ करता था 1975-76 में, फिर 1990s में बढ़कर हो गया यहां पर लगभग 12 भी, फिर यहां पर इसको घटाया गया, अभी यहां पर 8.1 पर ला दिया गया। तो इसके चलते इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर ये सही नहीं है। तो ये यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो ट्रस्ट है, ठीक है, जो चेयर किया जाता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्टर के द्वारा भूपेंद्र यादव के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई। तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चीजों को लेकर चलना चाहिए, तो ये मुद्दे हैं यहां पर, ठीक है। तो कुछ बातें यहां पर, कुछ और बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और 20 से ज्यादा वहां पर वर्कर हैं और 15,000 से ज्यादा सैलरी देखने को मिल रही है, तो 12% जो बेसिक पे का जो अलाउंस और डेयरनेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसमें यहां पर जो इंप्लॉई होता है वो भी पे करता है 24 जो 12% आप लोगों से हो गया कट कर लिया 12 यहां पर कर लिया, फिर आप लोगों की पेंशन बनती है जिसको बोलते हैं इंप्लॉई पेंशन स्कीम 1995। देखिए पहले की पेंशन में और अब की पेंशन में डिफरेंस पता है क्या है, पहले जो पेंशन आया करती थी उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पेंशन फिक्स हुआ करती थी, पर लेकिन अभी पेंशन फिक्स नहीं होती है, दिक्कत ये देखने को मिलती है अभी की जो पेंशन होती है उसको यहां पर कनेक्ट कर दिया गया जो भी यहां पर स्टॉक मार्केट के साथ में, तो जो प्रॉफिट होगा तो पेंशन अच्छी रहेगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो पेंशन फिर आप लोगों को घटती हुई नजर आएगी वहां पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बेस पर, तो इसलिए दिक्कत रहती है। पहले लोग पेंशन ले लेते थे कि हां इतनी तो पेंशन मिली जाएगी, पर अब ऐसा नहीं है, पेंशन घट और बढ़ भी सकती है, उसकी वजह से क्रिटिसिज्म यहां पर रहते हैं। तो हर जगह यहां पर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और लोगों को सिक्योरिटी पसंद है, तो इसके चलते कई बार ऐसे इश्यू निकल कर आते हैं। ओके, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें यहां पर जैसे मैंने अच्छा अभी आप लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में आप लोगों से बातें की, अगर सिक्योरिटी फोर्स में बात करें तो कौन कौन से बॉर्डर पर कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्स काम करती है बताइए जरा, ये पता होना चाहिए। आज का जो सुडोकू है वो ये है आप लोगों के सामने और यहां पर कल के सुडोकू का आंसर आप लोगों के सामने है। आज के SLV जो चैंपियन है इनका नाम है सौरभ, तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो इनको आप लोग एक तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछता हूं कि आंसर जरूर दिया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और एक आज आप लोग जो आर्टिकल दूंगा पढ़ने के लिए वो यहां पर ये है, ये थोड़ा सा आप लोगों को कई सारी बातें बताएगा कि जो खासकर एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ में जो नींद होती है वो इंटरप्ट होने लगती है, तो आखिर वो इंटरप्ट क्यों होती है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं, पढ़िएगा आप लोगों को, जनरल आर्टिकल ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से, पर हाँ आप लोग इसके ऊपर एक नजर डाल सकते हैं। इसके चलते आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, PDF जाकर टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लेना और इसी के साथ में टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में एथिक्स का एक स्टेटमेंट, एथिक्स का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उनको भी आप लोग अटेम्प्ट करना, ठीक है, तो काफी अच्छा रहेगा, उसको आप लोग देख लेना। और बाकी और जो सारी चीजें हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलती रहती है, 3 ग्रुप हैं SLV PDF पर, आप लोग नोट्स वगैरह जाकर देख लिया करो, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाते हैं और कई सारी चीजें, तो बाकी ये 3 ग्रुप है जिनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये एक मेन ग्रुप है जो कि आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि कोई भी चीजें आप लोगों की छूटे ना, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वगैरह आप लोगों को पे नहीं करना है, सब चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाती है, PDF भी यहीं से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।